Hello everyone, good evening. Welcome back on UnAcademy platform. UnAcademy platform पे स्वागत है आप लोगों का. फटाफट ज्वाइन करिए, आज 5 बजे की क्लास है. ओके, फटाफट ज्वाइन एवरीवन फास्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैरुथर सोल्यूशन कर रहे हैं, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे. फटाफट सभी लोग ज्वाइन करिए, एवरीवन ज्वाइन करिए UnAcademy प्लेटफॉर्म, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड फटाफट प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और पाइए अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी कहाँ से भी है, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आप लोगों को. ज्वाइन एवरीवन फास्ट. ओके, कहाँ रह गए सभी लोग, टाइम बदलने का इंसान देता है भाई. ठीक है, ज्वाइन करिए एवरीवन. हाँ, लेट्स स्टार्ट. हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आज हम चैप्टर 2 का, ये आपका पार्ट 2 है, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे. पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2. ओके, सभी लोग, माइसेल्फ अजय कृष्ण पाठक, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कैरुथर्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 जो है, इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रखी है, इन्हीं के डिफरेंट मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. वैसे ये पार्ट 2 नहीं होगा, पार्ट 3 होगा. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं, और डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन पोल. 9 बजे पोल में पार्टिसिपेट करिएगा. 10वां पोल है ये, स्पेशल क्लास पे रिएक्शन मैकेनिज्म का. 10 पोल का मतलब है कि आप मिनिमम अगर 8 क्वेश्चन लेके चलते हो तो 8 इंटू 10 अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए, और जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर दिए गए हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का जो है आप लोगों को सोल्यूशन करा दिया गया है. तो आप एवरीवन, ओके, तो बात करें तो लगभग आपके क्या है, 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. आगे भी और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस आप लोग पार्टिसिपेट करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाइए. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते जाइए. बात करें तो सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज कर रहे हो, हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो, 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस और आइकॉनिक में अगर आप कोई भी परचेज करते हो, आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस विद स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ, किसका लाइव क्लासेस का, क्विजेस का एंड टेस्ट का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा. आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट होते हैं. वेल स्टडी प्लानिंग के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यू, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए. पर्सनल गाइडेंस में आप टॉप एग्जाम एक्सपर्ट की पर्सनल गाइडेंस में पढ़ाई करने का मौका मिलता है आपको. साथ ही साथ गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. एक्सपर्ट की गाइडलाइंस में प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, जिसमें स्टडी बूस्टर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉप एग्जाम एक्सपर्ट विल हेल्प अ लॉट. सो और बात करें दोनों सब्सक्रिप्शन के बारे में, प्लस और आइकॉनिक के बारे में बात करें, प्लस अगर आप परचेज करते हो तो आपको इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे. आइकॉनिक अगर आप परचेज करते हो तो भी आपको इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे. पर्सनल कोच की जो है वो फैसिलिटी आपको मिलती है आइकॉनिक में. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस में मिलती हैं, आइकॉनिक में भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, वो आपको पूछना है, तो वो फैसिलिटी जो है आपको कहाँ पे मिलती है, आइकॉनिक में मिलती है. स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ की फैसिलिटी दोनों जगह अवेलेबल है, बट स्टडी मटेरियल अगर आपको प्रिपरेशन के रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आइकॉनिक में मिलेगा. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दोनों जगह अवेलेबल है, बट एसओपी एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आइकॉनिक में मिलेगा. ओके, तो बात करें अगर आइकॉनिक की जो सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में बात करें, तो आइकॉनिक की जो सब्सक्रिप्शन फीस है 24 मंथ के कोर्स की फीस 37% ऑफ के साथ 14,500 रुपीज, 40,500 रुपए है, 1,688 रुपए पर मंथ आपको पड़ेगा. 12 मंथ का कोर्स अगर आप लेते हो तो 20% ऑफ के साथ 23,400 रुपीज, मतलब 1,950 रुपीज जो पड़ेगा आपको पर मंथ पड़ेगा. 6 मंथ का कोर्स अगर आप लोगे तो 16,200 रुपीज, मतलब 2,700 रुपीज जो है वो आपको पर मंथ पड़ेगा. सब्सक्रिप्शन की प्राइस बढ़ने वाली है, तो सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए. द प्राइस ऑफ द सब्सक्रिप्शन विल बी हाइक सून, सो पर्सन सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे मेरा तो आपको मिलेगा इन पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट, इन फीस पर भी आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। आगे बात करें तो आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो मोबाइल में होना ही चाहिए, नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल करिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए आप किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर आप CSIR के एस्पायरेंट हो तो CSIR का कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद अगर बात करें कोर्स सेलेक्ट करने के बाद बात करें तो आपके पास आप प्लस लेना चाहते हो या आइकनिक लेना चाहते हो, प्लस अगर आप लेना चाहते हो तो प्लस को सब्सक्राइब करिए। 24 मंथ के कोर्स की फीस प्लस की जो है वो 20,000 रुपीज है, 833 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। 12 मंथ का अगर आप लेते हो तो 14,500 रुपीज है, 1,208 रुपीज पर मंथ आपको पड़ेगा। 6 मंथ का कोर्स अगर आप लेते हो तो 1,933 रुपीज पर मंथ, टोटल जो पड़ेगी 11,1600। 3 मंथ्स का लेते हो तो आप 6,250, टोटल जो पड़ेगा 2083। रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे AKRISH10 तो आपको मिलेगा इनके ऊपर भी मैक्सिमम डिस्काउंट। जी ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाना है, ऑफर का फायदा उठाना है तो इधर आ जाना है। ओके, प्रोफाइल कंप्लीट करिए अपनी और उसके बाद पेमेंट के लिए जब आप जाओगे तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। EMI ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया तो वो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हो। अगर आपके पास UPI ID है तो UPI ID से आप पेमेंट कर सकते हो। प्राइस जो है 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन की जो प्लस पे है, जो मिनिमम मंथ का सब्सक्रिप्शन है इसकी बढ़ने वाली है, तो प्राइस को बीट करने के लिए तुरंत इनरोलमेंट ले लीजिए। प्राइस हाइक करने वाली है, उसके पहले आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर लीजिए। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशंस। ओके, हम शो करिए कौन कौन है क्लास में प्रेजेंट। टाइमिंग बदल गया है यार, अभी पहले क्या था कि क्लासेस 6 PM पे थी, अब 6 PM से टाइमिंग क्या हो गया है इसका 5 PM हो गया है। ठीक है, 5 PM टाइमिंग हो गया है, आपके लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है। थोड़ा पहले आप फ्री हो जाओगे और हम भी थोड़ा सा पहले फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है। हम शो करिए कौन कौन है क्लास में। ओके तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कैरुथर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ कैरुथर का एक आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं, पहले वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है आरजू, यस। टाइम कंफर्टेबल है कि नहीं, टाइमिंग से प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग आरजू, गुड इवनिंग। आप लोग NMR की क्लास में गायब थे, क्या बात थी भाई, NMR की क्लास में आप लोग गायब थे। चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। मैं इसे ट्रीट किसके साथ कर रहा हूँ, LDA के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, LDA के साथ ट्रीट कर रहा हूँ और LDA के साथ ट्रीट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, LDA के साथ ट्रीट कर रहा हूँ ETUO सॉल्वेंट जो ले रहा हूँ, ये मैं ETUO ले रहा हूँ और हेक्सेन ले रहा हूँ, हेक्सेन ले रहा हूं और इसे रिफ्लक्स कर रहा हूं, रिफ्लक्स कर रहा हूं। ठीक है, आपको बस ये बताना है। गुड इवनिंग मनोज, ओके ओके ओके, गुड इवनिंग मनोज। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। ओके ओके कोई बात नहीं, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, A बनेगा या आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, B बनेगा। ठीक है, या B बनेगा या आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, C बनेगा या C बनेगा या ऑप्शन D, बोथ A एंड B। कमेंट करो आप, विच ऑप्शन इज अ ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, अगर सही विकल्प क्या है। ये टाइम कंफर्टेबल है कि नहीं है, इसमें से करेक्ट विकल्प कौन है, ABCD बताना है आप, सही आंसर क्या होगा। बस 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 यही एरर होता है, एरर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी लोग भाई डी 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 वेरी गुड डी डी डी। हम अगर बात करें तो एलडीए है, ये एलडीए कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस की तरह बिहेव करेगा तो इंट्रैक्ट कहाँ पे करेगा, बीटा हाइड्रोजन से इंट्रैक्ट करेगा। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। अनइक्वल जो है वो ये है, यहां से बीटा हाइड्रोजन निकलता है तो ऑप्शन आपका कौन बनेगा, सी प्रोडक्ट बनेगा। और यहां से जो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा वो उसके वजह से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका, ए बनेगा। और यहां से निकलेगा तो बी बनेगा, ठीक है। ये वाला निकलेगा तो ए बनाएगा, ये वाला निकलेगा तो बी बनाएगा, और ये वाला निकलेगा तो सी बनाएगा। अब मेजर कौन सा बनना चाहिए, विच वन इज द मेजर, हाउ टू बी आइडेंटिफाई, मेजर प्रोडक्ट कौन होना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेजर प्रोडक्ट, तो देखो स्ट्रिक्टली हिंडर्ड, तो अगर मैं बात करूं, अब आपको ये देखना है वी आर टॉकिंग अबाउट क्या भैया, क्या कहते हैं कि, ठीक है, क्या कहते हैं कि जो निकलने के चांसेस होते हैं, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, ये हाइड्रोजन या ये है। एसिडिटी के बारे में बात करते, एसिडिटी के बारे में बात करते हैं कि ए की एसिडिटी ज्यादा होगी या बी की एसिडिटी ज्यादा होगी या सी की। ए भी तो इक्वल, ए भी इक्वल है तो कौन से की काइनेटिक फास्ट होगी, काइनेटिक के बारे में बात, काइनेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो काइनेटिक अगर बात करें तो ए बी की काइनेटिक ज्यादा होगी। रीजन, ये रिंग में प्रेजेंस है, इंटरनल यहाँ पे क्या होगा आपका, इंटरनल एंगल जो होगा ये रिंग में प्रेजेंस है। रिंग में प्रेजेंस होने की वजह से इनके पास क्या होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या होगा भैया, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इनकी एसिडिटी ज्यादा, इनके रेस्पेक्ट में काइनेटिक ज्यादा। और जब इनमें से कोई एक अब्स्ट्रैक्ट होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे आपका ये प्रोडक्ट बन रहा हो, चाहे आपका ये प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा हो, चाहे आपका ये प्रोडक्ट बन रहा हो, सब में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी आप देखोगे तो कितने हैं, दो दो चार, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पे जब आप बात करोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 में सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन। थर्मोडाइनेमिकली भी टीएचएफ की बात करें, टीसीपी की बात करें तो टीसीपी भी किसका ज्यादा है, टीसीपी ए और सी का ज्यादा है। और केसीपी भी किसका ज्यादा है भैया, केसीपी भी ए और सी का ज्यादा है। कंफर्म है, एकदम कंफर्म। टीसीपी एंड केसीपी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केसीपी मींस काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिक किसके साथ फास्ट होगी, ए इज इक्वल टू बी, बी होगा ना यहाँ, सॉरी, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और सी की काइनेटिक स्लो होगी बिकॉज सी का हाइड्रोजन ए साइक्लिक कार्बन पे प्रेजेंट है, एस कैरेक्टर कम होगा, इंट्रैक्शन कम होगा। ओके, टीसीपी हम किसके बेस पे बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट किसके बेस पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ए और बी में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ए और बी में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2, 4, 1, 5। There is a 5 alpha hydrogen present and in A and B, while in case of C there is only 4 alpha hydrogen present. So it is able, आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा और सबसे कम कौन सा बनेगा। अब अगला बताना है आपको, अगला बताना है, ठीक है, अगला आपको बताना है। चलिए, बी रेडी विथ, सब लोग तैयार, ओके। अब अगला बताना है आपको कि मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है जिसमें मैं क्या लगा रहा हूं, ये पीएच लगा रहा हूं, ये एबव द प्लेन एंड दिस वन इज द बेलो द प्लेन, ठीक है। एबव द प्लेन ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं, बेलो द प्लेन ले रहा हूं, ठीक है। सेम यहाँ एबव द प्लेन ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं, बेलो द प्लेन ले रहा हूं। यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, पीएच, पीएच लगा रहा हूं और बेलो द प्लेन में क्या लगा रहा हूं, यहाँ पे मिथाइल लगा रहा हूँ, एबव द प्लेन क्या लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ बेलो द प्लेन क्या लगा रहा हूं, NMe3 लगा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लगा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन लगा रहा हूं, सॉरी पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखा जाएगा क्या बनेगा आपका। आपको ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और इसको आप ट्रीट किसके साथ कर रहे हो, ट्रीटमेंट आप इसका कर रहे हो NaOET के साथ, ठीक है, NaOET के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पे चीजें थोड़ा सा उल्टी हो गई क्या, हाँ ठीक है कोई गल नहीं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये बनेगा pH, HH या मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा pH। Which one will be major, A or B? How do we identify कौन सा मेजर बनना चाहिए कौन सा माइनर बनना चाहिए? हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर बनना चाहिए कौन सा माइनर बनना चाहिए? ये बनाने के पहले हमें क्या करना होगा, इसे नॉर्मल कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना। नॉर्मल में अगर मैं बात करूं तो ये मेरा कार्बन 1 और ये मेरा क्या है कार्बन 2। कार्बन 1 और कार्बन 2 को क्या रखना है, यहाँ पे कार्बन 1 और ये कार्बन 2, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, दोनों एंटी हैं, कौन, पीएच और पीएच आपस में क्या है एंटी, पीएच आपने रख दिया। ये चीज है आपकी, ये जो आ रहा है आपका एबव द प्लेन की तरफ, सिमिलरली इसके ऊपर ये जो आ रहा है आपका एबव द प्लेन की तरफ, ये किधर जा रहा है आपका बिलो द प्लेन की तरफ। एंटी एलिमिनेशन होगा, प्रोडक्ट बताना है कौन सा ज्यादा बनेगा। एंटी एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट ए बताना है या बी, ये बताना है ऋषभ सिंह के। यहाँ पे क्या होगा आपका एबव द प्लेन कौन होगा, यहाँ हाइड्रोजन किस पे 1 कार्बन पे, यहाँ एबव द प्लेन कौन सा होगा NME3 पॉजिटिव, ठीक है, एबव द प्लेन है। बेलो द प्लेन क्या होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे बेलो द प्लेन कौन होगा मिथाइल, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन और मिथाइल के बारे में बात करूं, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन ये आपका बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहां लाई कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग लाई कर रहा है किधर बेलो द प्लेन की तरफ, जबकि ये हाइड्रोजन एब ऑफ द प्लेन की तरफ लाई कर। तो मुझे क्या करना होगा, तो कि दोनों ग्रुप को एंटी लाना होगा, ठीक है, एंटी लाना होगा। और एंटी मैं लाता हूं, एंटी करा के मैं रिएक्शन करा सकता हूँ। दोनों ग्रुप को मुझे क्या करना होगा, एंटी लाना होगा, हाइड्रोजन को भी एंटी लाना होगा और NME3 को भी एंटी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं ऑन द प्लेन इनको ला रहा हूँ, क्लियर। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बाकी सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्लॉकवाइज जब आप चल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है मिथाइल, यहाँ मिथाइल रख दिया। उसके बाद आगे जब आप जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है पीएच, यहाँ पीएच रख दिया। NME3 को इसके एंटी रखा है, NME3 के क्लॉकवाइज जब चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है पीएच, हाँ जी। और आगे जब जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है H मिल रहा है। अब हम जब बात करेंगे तो अब जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा फास्ट। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CN क्या है आपका, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CN जो है इस हाइड्रोजन के क्या कर रहा है सिन में लाई कर। अब इसके साथ इसका इंट्रैक्शन फास्ट होगा। NaOET जो है आपका OET नेगेटिव जो है, अब क्या करेगा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और प्रोटॉन जब अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। अब जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें आपको क्या ओलिपिन का फॉर्मेशन होगा। ओलिपिन जब बनेगी तो ये जो पीएच किधर है बिलो द प्लेन की तरफ, और ये भी पीएच किधर है बिलो द प्लेन की तरफ, मींस पीएच और पीएच का जो ओरिएंटेशन होगा क्या होगा सीन होगा। मींस जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, ए बनेगा। अजी अर्जुन ने कहा था ए, ऋषभ ने कहा एंटी एलिमिनेशन, मनोज ने कहा बी, मैंने बस वहां से दिया बदल मैंने बस क्या कर दिया था कि जो क्वेश्चन आप वहां पे देख रहे थे वहां पे यहाँ पे लाके थोड़ा सा कंफर्मेशन दिया बदल, तो और बाकी सब कुछ मैकेनिज्म वे ऑफ मैकेनिज्म तो ऐसा ही रहेगा, बट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बदल दिया था कहानी और आप हो गए कंफ्यूज जी। जस्ट कॉपी नहीं किया क्वेश्चन, वहां से एकदम कॉपी नहीं किया, बदलने की जैसे ही प्रोबेबिलिटी दिखती है मैं बदल देता हूं तुरंत। यहाँ पीएच और पीएच आपस में क्या है ये भी देखो, देखो आप उल्टा वाई है आपका, ये उल्टा वाई है, उल्टा वाई से आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर क्या है, सीधा वाई है, सीधा वाई से भी आपकी तरफ जा रहा है। मींस पीएच जो है दोनों में आपका एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में, तो पीएच आपस में क्या होंगे, सिस। तो जो सिस आइसोमर है उसके बनने के चांसेस ज्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दोनों पॉसिबिलिटीज है। दोनों पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब है, देयर इज अ चांस टू प्रोसीड। इस कार्बन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, कैसी रिएक्शन होनी चाहिए, E2, ठीक है, फिनाइल है, E2 भी पॉसिबल है। अब जब E2 होगी तो E2 के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन शुड बी एंटी टू ईच अदर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी E2 फास्ट होगी। कितनी बार बता चुके हैं भाई लोग, तो अब गलती ना हो, अब मत चूकिएगा, अब ये करके दिखाइएगा। अब जो है आपके साथ, आपसे मिस्टेक्स ना हो, अब ये करके आप दिखाओगे कि आपका क्या बनेगा। ये मिथाइल था ना आपका, ये मिथाइल मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन छोड़ दिया मैंने, पीएच के रिस्पेक्ट में ही बता दिया, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। ये करके आप दिखाइए मिथाइल एबव द प्लेन क्या है आपका, हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका बेलो द प्लेन NME3 है, और एबव द प्लेन आपका क्या है, हाइड्रोजन। हाँ जी सभी लोग कंफर्म है, ये चीज है, ये चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, पीएच, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पीएच। इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूं, इसका जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, NaOET के साथ रिएक्शन, हाँ जी NaOET के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। आपको बताना है कि मेजर कौन बनेगा, आपको इसमें बताना है कि मेजर कौन सा बनेगा, पीएच मिथाइल Me ये ज्यादा बनेगा या पीएच और मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, विच वन विल बी मेजर, ए और बी? कमेंट एवरीवन, कमेंट फास्ट, विच वन विल बी मेजर? कमेंट फास्ट, आपके कमेंट्स आने बंद हो गए हैं, ये गलत बात, ये गलत बात है। कमेंट करो आप लोग फास्ट, कौन सा मेजर बनेगा यहाँ पे, ना ना डिफरेंट आएगा, इनएसयू टॉपिक का सेम कैसे आ जाएगा भाई, इनएसयू टॉपिक का सेम कैसे आएगा, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट तो अलग अलग हो जाएंगे ना, बात करेंगे, टेंशन मत लो आप, डाइस्टीरियो टॉपिक, इनएसयू टॉपिक सारा। सिग्नल के बारे में बात की थी हम लोगों ने, केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग हो जाएगा ना, ये आप बताना, ये कौन सा ज्यादा मिलेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा, ए और बी? कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, सभी लोग कमेंट करो भैया, कमेंट फास्ट। एकदम बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है ये, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके पारुल ने कहा भी, इन्होंने कहा भी, वेल कोई बात नहीं, हम इसका भी कंफर्मेशन बना लेते हैं, ये एंटी रख लेते हैं, ठीक है, पीएच को एंटी रख लेते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये जा रहा है बेलो द प्लेन की तरफ, ये आ रहा है एबव द प्लेन की तरफ। सिमिलरली ये क्या जा रहा है बेलो द प्लेन की तरफ, ये आ रहा है आपका एबव द प्लेन की तरफ। ये कन्वर्जन करने का सबसे आसान तरीका है। NME3 पॉजिटिव, NME3 पॉजिटिव इस कार्बन पे, ये सेकेंड है, ये आपका क्या है फर्स्ट, और यहाँ क्या है हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेलो द प्लेन क्या है मिथाइल, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो दोनों एंटी दिख रहे हैं। आप ऐसे भी करा सकते हो, अगर आपको बहुत बढ़िया से कराना है, आपको एकदम देखना है कि ये ऐसे बिल्कुल प्रेजेंस रहे, मीन्स इस तरह का कंफर्मेशन रहे। NME3 को यहाँ पे रख दो पॉजिटिव, और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ हाइड्रोजन रख। हाइड्रोजन के जब क्लॉकवाइज आप चल रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको मिथाइल, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको फेनाइल। यहाँ NME3 के क्लॉकवाइज जब आप चल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है भैया, आपको क्या मिल रहा है हाइड्रोजन के, जब आप सही लिखा है मैंने फिनाइल मिथाइल, यस, यहाँ पे फिनाइल ये उल्टा रख दिया है। वेल वेल वेल, तभी तो दिक्कत होगी, ये उल्टा रख दिया है। यस 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 यस, ये उल्टा रख दिया है मैंने। एबव द प्लेन हाइड्रोजन होगा ना, एबव द प्लेन हाइड्रोजन, बेलो द प्लेन कौन होगा NME3। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेलो द प्लेन NME3। NME3 के क्लॉकवाइज जब चल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है H, और क्या मिल रहा है PH। अब ये जो है एंटी बॉन्डिंग ओरिएंटेशन एक दूसरे के क्या है शिन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CN जो है वो एक दूसरे के क्या है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CN एंड सिग्मा CH, ये क्या है शिन है, ये क्या है शिन है। लेकिन जो दोनों एलिमिनेट होने वाले हैं ग्रुप, वो दोनों आपस में क्या है एंटी, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपका क्या है एंटी। तो आप इसे क्या बोलते हो एंटी एलिमिनेशन या एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर। जब यहां से ये इथॉक्साइड आयन OET नेगेटिव जब प्रोटॉन निकालेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ओलेफिन का फॉर्मेशन। अब जब ओलेफिन का फॉर्मेशन होगा तो आपको देखना है कि ये वाला PH और ये वाला PH एक दूसरे कार्बन भी क्या है अपोजिट, एक दूसरे कार्बन भी क्या है अपोजिट। मींस यहाँ जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ जो फॉर्मेशन होगा किसका A का होगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कहाँ रहते हो, कभी आते हो कभी जाते हो कभी गायब हो जाते हो, ये गलत बात है, ठीक है। अब ये करके दिखाना भैया, बाकी क्वेश्चन तो हम लोगों ने इधर वाला कर रखा था, ये वाला भी कर रखा है। अब आपको क्या करके दिखाना है, अब आपको ये दिखाना है, क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, आपको ये करके दिखाना, ठीक है, ठीक है भाई लोग, कंफर्म रेडी। ये करके आप दिखाओ कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सभी लोग ये करके दिखाओ आप कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखें आप लोगों का कितना रिवीजन है और कितना रिवीजन नहीं है। एबव द प्लेन, यहाँ पे भी है बेलो द प्लेन, और ये एबव द प्लेन, ठीक है। हाइट यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका कौन लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन लगा हुआ है कार्बन, और कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है ऑक्सीजन और मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे जो एबव द प्लेन कौन है पीएच, और यहाँ क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है पीएच। आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, ये थोड़ा सा अजीब टाइप सा लिख दिया मैंने, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करा रहे हो, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको बताना है कि मेजर कौन सा पीएच एच पीएच, ये मेजर बनेगा ए, और ये मेजर बनेगा पीएच पीएच बी, कौन सा मेजर बनेगा ये बताना है आपको। कमेंट एवरीवन, पास कमेंट एवरीवन, अच्छा अच्छा ओके 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 बैटरी डेड हो गई, कोई गल नहीं कोई गल, हो जाता हो जाता। कमेंट एवरीवन फास्ट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये चीज मैं दिखा दूं, ये मिथाइल, बताओ यहां पे मेजर क्या बनेगा? सभी लोग कमेंट करो फटाफट कमेंट। फटाफट कमेंट। केमिकल environment of financial topic one will be same or different? बोलो भैया। रवीना ने कहा ए, वेल ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी वेल। ये कौन सी रिएक्शन है पहले ये पहचानना, बाय द वे आपको नो एग्जाम में मिल जाए तो आपको ये पहचानना होगा कि यहाँ पे क्या है, नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। और जब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सिर्फ क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मीन्स इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, पायरोलाइसिस, थर्मोलाइसिस और पायरोलाइसिस सिन एलिमिनेशन, पायरोलिसिस, थर्मोलिसिस और ईवन रिएक्शन। और ईवन के लिए क्या है, ईवन रिएक्शन के साथ क्या होता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होती है। अब ये जैसे ही आप इसे हीट करोगे, जैसे ही आपने इसे क्या किया, टेम्परेचर देना शुरू किया, तो जैसे ही आप इसे टेम्परेचर देना शुरू करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा डिस्टर्ब होगा, जो लूजली बॉन्डेड होगा। अब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा डिलोकलाइज्ड करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। अब जब ये इधर डिलोकलाइज्ड करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो ये है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा तो इसका इंट्रैक्शन होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जैसे ही होगा ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, आप इस चीज को समझिएगा। ट्रांजिशन स्टेट में ये मतलब टोटल कितने, एक दो तीन चार पांच छ, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा, एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। किसके थ्रू प्रोसीड होगी, 6 मेंबर। यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम लगा रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है ही किसका, कार्बन का, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगा। अब जो कहानी घट रही है, कहानी क्या घट रही है, यहाँ पे मिथाइल लगा, ठीक है, ये डॉटेड बॉन्ड, ये डॉटेड बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है, बॉन्ड मेकिंग चल रही है, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है, ठीक है। और इसके कॉन्सिक्वेंस में डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, बॉन्ड मेकिंग चल रही है, और इधर क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है, ठीक है। और इधर तो खैर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड बन ही रहा है, बाकी जो सारे के सारे ओरिएंटेशन है, सारे के सारे ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल आपके वैसे ही रहे। मतलब ये मैं यहाँ पे क्या कर दूं, हाइड्रोजन यहाँ पे पीएच कर दूं, थोड़ा सा वैरी हो गया होगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, पीएच कर दूं, और यहाँ पे क्या कर दूं, हाइड्रोजन। सिन में इसके सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, ई आई रिएक्शन या सिन एलिमिनेशन प्रोसीड बाय 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। सिन में जो रहेगा वहीं पे होगा, बिकॉज जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो स्टेबल किसके साथ बनेगी, जो सब्स्टिट्यूएंट सिन में प्रेजेंट होगा उसी के साथ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी। और जब ये बनेगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, पीएच का ओरिएंटेशन जैसा था वैसा ही रहेगा, मींस पीएच बिलो द प्लेन एबव द प्लेन, मतलब एक दूसरे के क्या है, एंटी। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपका कौन सा बनेगा, ये वाला। कंफर्म सबके सब कलाकार, ठीक है। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा बदल दूं, थोड़ा सा कहानी अगर मैं बदल दूं, तो कहानी बदलने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और आपको एक बताना है, चलो इधर आओ, बताओ, इधर बताना है आप कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा रखा है ये, और ये मिथाइल लगा रखा है, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। और जब आप इसे हीट कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, या आपका ये बनेगा। कमेंट एवरीवन कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, या क्या बनेगा, सी बनेगा। कमेंट फास्ट, ए बी सी, विच वन विल बी मेजर। कमेंट फास्ट, आप सभी लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, कौन सा ज्यादा बनेगा, बाकी लोग भी कमेंट करें। आरजू ने कमेंट किया सी, और संदीप ने कमेंट किया सी, प्रिया ने कमेंट किया सी, सी सी, ओके, नो प्रॉब्लम। रिएक्शन सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करेगी, जैसे ही आप हीट करोगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस इंक्रीज होगा। इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके रेस्पेक्ट में एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी। अगर ये वाले बीटा हाइड्रोजन से इंटरैक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, और अगर ये वाले बीटा हाइड्रोजन से इंटरैक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। फर्स्ट पाथ अगर फॉलो करेगा तो क्या डिफरेंस होगा, सेकेंड पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगा। चूंकि रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है वो किससे प्रोसीड हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट से। तो ट्रांजिशन स्टेट दो तरह की बनेंगी, यहाँ पे दो तरह की ट्रांजिशन स्टेट से ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। एक हाई एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट बने, एक लो एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट बने। अगर फर्स्ट वाला पाथ फॉलो करेगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, मिथाइल CH3। यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंस है। यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, हाइड्रोजन प्रेजेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपका इस पे क्या प्रेजेंस है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल प्रेजेंस है। यहाँ की जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फर्स्ट पाथ वाले से जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, मोर क्राउडेड। क्या बनेगी आपकी, मोर क्राउडेड, ठीक है, या मोर क्राउडेड बनेगी। जबकि जो सेकेंड वाले से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड। अब चूंकि ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है, इस ट्रांजिशन स्टेट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है, और वो खासियत क्या है कि आपको यह देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बात करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट। मैंने इनको लोन पेयर से दिखा रखा है तो ताकि आपको समझने के लिए आसान हो। देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, 6 इलेक्ट्रॉन का। और कितने एटम्स के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर, कितने एटम के बीच में शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 6 न्यूक्लियाई, 6 न्यूक्लियाई के बीच में शेयर हो रहे हैं। तो ये कह देना कि ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ऐसा नहीं। ट्रांजिशन स्टेट आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अब पूछो और इलेक्ट्रॉन रिच कैसे होगी, ये तो 6 दिख रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो भाई साहब लोन पेयर लोग हैं यहाँ के, इनका भी तो इन्वॉल्वमेंट होगा ट्रांजिशन स्टेट में। मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही है, क्या बन रही है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ जी, तो अगर ट्रांजिशन स्टेट आपकी इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है तो हमारे पास दो पाथ है। यहाँ पहली बनाएगा तो मोर क्राउडेड, और साथ ही साथ इसका प्लस आई वर्क करेगा, मोर क्राउडेड के साथ मोर इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी, ठीक है। दूसरी से प्रोसीड करेगा तो लेस क्राउडेड, एंड इसके कंपेयर में क्या होगी, लेस इलेक्ट्रॉन रिच। और लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो दोनों में जब आप स्टेबिलिटी की बात करोगे, इन दोनों की एनर्जी के बारे में बात करोगे, तो जो एनर्जी होगी वो आपके फर्स्ट वाले ट्रांजिशन स्टेट की क्या होगी, ज्यादा, सेकेंड वाले ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, कम। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें देना है, सेकेंड वाले में आप क्या दोगे, कम दोगे, ठीक है, सेकेंड वाले में आप क्या दोगे, कम दोगे, जबकि जो फर्स्ट वाले में होगा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। नो डाउट प्रोडक्ट उसका स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, बहुत ज्यादा होगी, बट ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करती है, ई आई रिएक्शन काइनेटिक पाथ फॉलो करती है। रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करती है, काइनेटिक पाथ फॉलो करती है, और काइनेटिक पाथ फॉलो करके जो प्रोडक्ट देती है वो केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, क्या देती है, आपकी मेजर देती है। हाँ जी क्लियर, हम शो करना द एनर्जी गैप बिटवीन, ये जो है ये बहुत ज्यादा है, ये वाला। ओके कंफर्म है, बोल दो बोल दो। ये पता नहीं हॉपमैन सेट जाए तो हम नहीं डिस्कशन करते। Well, आप इसको क्या बोलते हो, हॉपमैन, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हॉपमैन। हॉपमैन ने इसके ऊपर काम किया था, अच्छी बात है, हॉपमैन का नाम रखो। और इसके ऊपर जो काम किया था वो सैटजैप ने काम किया था, ये सैटजैप अल्किन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर भाई। मैंने छोड़ दी थी पीएचडी, मेरी जो पीएचडी चल रही थी वो किस पे चल रही थी आपके, मैंने पीएचडी जो है वो ड्रॉप कर दी है, ठीक है। मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट नहीं की, और पीएचडी जो चल रही थी वो नैनो में चल रही, नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। ये या कंफर्म सब लोग। वेल, अब आपको कोई गल नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम इन एनी डाउट। फॉर एग्जाम्पल, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सब भी लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा। आपके पास ये मॉलिक्यूल है, आपके पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा क्या है, जिसमें बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन CO2 ET है, क्या है, बिलो द प्लेन CO2 ET है। और यहाँ पे क्या है, एबव द प्लेन जो है वो क्या है, OCOME है, ठीक है। और इसे आप क्या कर रहे हो, इसे आप क्या कर रहे हो, इसे आप कर रहे हो हीट, कितने पे, 435 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा CO2 ET, या जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। कमेंट एवरीवन पास्ट। और ये आपका ऐसा ही रहेगा, ये बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन ही रहेगा, CO2 ET। कमेंट एवरीवन फास्ट, विच वन विल बी मेजर, A और B, कमेंट फास्ट, ठीक है, कमेंट फास्ट। सभी लोग, जितने लोग भी क्लास में हो, सभी लोग बच्चा लोग कमेंट करो, ठीक है। हाँ क्लियर। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट को हमें समझना है। हम पहले क्या बना लें, इसका स्टेबल कन्फर्मर बना लें। बिना स्टेबल कन्फर्मर बनाने के आप मत करना, स्टेबल कन्फर्मर बना लें। स्टेबल कन्फर्मेशन का क्या मतलब है, साइक्लिक चेयर कन्फर्मेशन बना लें। इसको बताओ फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप पहले बताओगे देन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आकाश, प्रिया, रबीना, आरजू, संदीप, ठीक है, मुकुल, एवरीवन कमेंट अबाउट दिस, एवरीवन कमेंट, कमेंट फास्ट। मनोज, जितने लोग भी हो क्लास में कमेंट करो कौन ज्यादा बने, ठीक है। पारुल ने कहा A और मनोज ने कहा B, आरजू ने कहा B, प्रिया ने कहा B, ओके। बाकी लोग, रवीना ने भी कहा B, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिप्लाई करो सभी लोग, जो रिप्लाई करेंगे उनके लिए वेरी गुड, जो रिप्लाई नहीं करेंगे उनके लिए वेरी बैड, ओके। फटाफट रिप्लाई करो, कुछ भी करो यार, करो रिप्लाई और बोलो संदीप। अच्छा संदीप ने पहले ही बी बोल दिया, वेरी गुड। एक 4 बार बी बोलोगे, एक बार बी बोलना है, हाँ ठीक है। चलिए हम पहले ड्रॉ करते हैं इसका स्टेबल कन्फर्मर। स्टेबल कन्फर्मर बनाने का क्या, बल्कि ग्रुप को क्या रखना है मन ने, बल्कि ग्रुप को इक्विटोरियल रखना, ठीक है। बल्कि ग्रुप को मैं क्या रख दूं, इक्विटोरियल रख दूं, ठीक है। इक्विटोरियल रखने का क्या मतलब है, एक ये कन्फर्मेशन में बना सकता, ठीक है। ये यहां पे क्या रख दूं आपका CO2ET। संदीप मैंने भी रिप्लाई किया, या अंकुर ने कहा बी, लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन। अंकुर ने क्या कहा, बी, ओके डन, नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मार्क्स विद एक्स्ट्रा बी, ओके ओके। और यहां पे मैं क्या बना दूं, OCOME, ये है हमारे पास। अब देखो क्या है, इसके रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन, एक इधर है, ठीक है, और क्या है एक आपका क्या है इधर है, एक इधर। 2 बीटा मतलब बीटा हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन। 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन हमारे पास क्या है अवेलेबल। जब मैं स्टेबल कन्फर्मर बना रहा हूं, तो इस बीटा हाइड्रोजन के बारे में बात करूं, मीन्स यहाँ पे अगर जो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपका क्या है एबव द प्लेन। यहाँ पे बात करें बीटा हाइड्रोजन का तो क्या है, एक एबव द प्लेन भी है और एक क्या बिलो द प्लेन है। तो जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है वो किसके साथ बेटर बनाएगा, जो सिस होगा, जो हाइड्रोजन इसके क्या होगा सिस होगा, उसी से आपका जो है मोर स्टेबल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। मीन्स इसका इंट्रैक्शन बेटर कहां पे होगा, यहां पे। इस कंडीशन में क्या होगा, बेटर इंट्रैक्शन होगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन जो लाई कर रहा है आपका, ये सिस लाई कर रहा है आपका, सॉरी ये आपका एबव द प्लेन है। उल्टा कुछ हो गया है क्या भाई, हाँ थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो गई, कोई गल नहीं कोई गल नहीं। ये बेलो द प्लेन लाई कर रहा है, अब आप ध्यान देना, ये आपका क्या है एबव द प्लेन है, ये एबव द प्लेन है, ये बेलो द प्लेन है। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन। इंट्रैक्शन इससे होगा या इससे होगा, क्लियर। इंट्रैक्शन 2 से ही होगा, इससे नहीं होगा, या इंट्रैक्शन आपका इससे होगा या इंट्रैक्शन इससे होगा। अब आपको सब फोकस करना है, क्या करना है, सब फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी, इलेक्ट्रॉन रिच। कैसी बनेगी, इलेक्ट्रॉन रिच। ये भी सिन हाइड्रोजन है, ये भी सिन हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट कहां पे बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट अगर इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पहली बार। नो डाउट कि इसकी वजह से क्राउडिंग भी होगी, बट जो क्राउडिंग की वजह से चेंज इन एनर्जी आएगा वो कम होगा इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से। और साथ ही साथ ये जो प्रोटॉन आपका है ये काइनेटिक प्रोटॉन है, आप काइनेटिक रखते हो कि काइनेटिक एलिमिनेशन होगा, तो जो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा ये एबव द प्लेन और ये एबव द प्लेन। ये सिन ट्रांजिशन स्टेट बना के रिएक्शन होगा और जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसके रेस्पेक्ट में, जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ए बनेगा। ए किसने कमेंट किया था ए किसने किया कमेंट किया था। जब आप फर्स्ट की बात करोगे, सपोज मैं ये फर्स्ट पाथ की बात करता हूं, ये सेकेंड पाथ की बात, इस वाले केस में क्या है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी वजह से, जब आपके ट्रांजिशन स्टेट में, आओ मैं यहां पीछे चलता हूं, जब आपके ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा और साथ ही साथ इस प्रोटॉन की जो एसिडिटी है उसको बढ़ाएगा, ठीक है नाना, ये मत रटियो, ये ना रटियो, आपको ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज हिस्टोरिकली देखना है। ठीक है, ये ऐसे मत याद करना। यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा लोगे तो प्रोटॉन वही वाला इंटरेक्ट करेगा अगर सिन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर सिन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वही वाला इंटरेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। अब अगर आपके पास एक कन्फर्मर और है, एक कन्फर्मर और होने का क्या मतलब है कि मैं अगर बात कर दूं किसके बारे में, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल के बारे में बात करें, ये इक्विटोरियल है और ये क्या है, एक्सियल है। एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का एंगल कितना होता है भाई लोग, 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है आपका इक्विटोरियल और एक्सियल प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे भी दोनों के केस में 60 डिग्री है, तो मिनिमम एंगल तो यही हो सकता है। तो जो 60 डिग्री वाला है उसी को ये अडॉप्ट करेगा। अब अगर मैं अगले कन्फर्मर के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसके बारे में पूछूं कि यहाँ पे बताओ कि मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ऑक्सीजन और COMe है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे CO2Et। ठीक है, और यहाँ पे H। अब इसमें आपको बताना है सभी लोगों को कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। कमेंट करना है आप, इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CO2Et बनेगा या आपका क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ए बनेगा या बी। एक्सटर्नल बेस, हाँ डेफिनेटली बेस आप लोगे तो कंजुगेट बेस। अगर आपने यहाँ पे बेस यूज कर लिया, सपोज आपने यहाँ पे बेस कर लिया, तो रिएक्शन इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो करने लगेगी। ठीक है, E2 नहीं, इवन सीबी फॉलो करने लगेगी बिकॉज कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड। इसमें कमेंट करके बताओ विच वन विल बी मेजर, ए और बी। इसमें आपको बताना है ए और बी, यस। अब आपको क्या देखना है, जब हम बात करेंगे यहां के हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे और इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे, अगर ये इंट्रैक्शन होने जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाएगा, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, क्या इंटरैक्ट करेगा, उससे लो एनर्जी का पाथ क्या फॉलो कर लेगा, ये यहां से किसी प्रोटॉन को निकाल लेगा। बेलो द प्लेन है तो बेलो द प्लेन वाले को निकाल लेगा। आपका क्या 60 डिग्री पे ये प्रेजेंस है, ये ज्यादा स्टेबल बना लेगा। बट वहां पे क्या था कि एंगल भी इक्वल था, ये नोटिस करने वाली पॉइंट है। एंगल सब में इक्वल था और एंगल इक्वल होने के साथ साथ इसकी काइनेटिक ज्यादा थी, या ट्रांजिशन स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो रही थी, मोर स्टेबलाइज्ड हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विथड्रॉ हो रही थी। बट यहाँ पे कहानी क्या हो गई बालकों, एंगल 180 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच का, ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनेगी, तो प्रोटॉन ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा। मेजर कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये वाला, और ये पाथ फॉलो करके क्या बनाएगा, यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ए मेजर बनाएगा। लास्ट क्वेश्चन में बी इसलिए नहीं क्योंकि जब आप कन्फर्मर बना रहे हो तो दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री इधर भी है, 60 डिग्री इधर भी है। ठीक है, ये एबव द प्लेन वाले के साथ कर रहे हैं। अब जब बात करेंगे कि काइनेटिक किस प्रोटॉन की फास्ट है, काइनेटिकली लबाइल प्रोटॉन कौन है, तो ये प्रोटॉन जो है इसकी काइनेटिक फास्ट होगी। रीजन, ये प्रेजेंट है कहां पे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के एडजेसेंट, और साथ ही साथ जब यहां ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी। वो इलेक्ट्रॉन रिच में ये ग्रुप करेगा पार्टिसिपेट, जैसे ये यहां पे मैंने बात की थी, ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने समझाई है ना, ये ग्रुप करेगा पार्टिसिपेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये क्या करेगा, आपको ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, प्रोटॉन को निकालने के लिए। अरे ऐसे समझो ना भाई लोग, ऐसे समझो, ये काइनेटिकली मोर फेवरेबल कैसे होगा, ऐसे समझ जाओ, रुक जाओ, मैं और इसको आसान कर रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये तो भाई काफी ज्यादा, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, ये अट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीएच के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी किससे कर रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीएच के साथ। अब बताओ भैया कि ये पहले वाले पाथ का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीएच लोअर एनर्जी का होगा या दूसरे वाले का? पहले वाले का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीएच लोअर एनर्जी का होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, हायर एनर्जी का होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये फास्ट इसे अटैक करेगा और साथ ही साथ जब यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे स्टेबलाइज भी करेगा। इसलिए ए ज्यादा बनेगा, बी कम बनेगा। अब कंफर्म है संदीप? अरे नहीं यार, एक्सियल यहां पे भी है, एक्सियल यहां पे भी है, दोनों जगह एक्सियल है। ये भी आपका एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, बट काइनेटिक किस प्रोटॉन की फास्ट है? यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लो होगी, इसकी ज्यादा होगी, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रेजेंस है। साथ ही साथ बात करें अगर हम तो ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट। अब कंफर्मेशन डीप या लिखवाऊं सारी चीजों को? बोलो मेरे भाई। सर लास्ट क्वेश्चन, आई एम टोटली कंफ्यूज। नो नो, कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना है, नेवर कंफ्यूजन, नेवर कंफ्यूजन। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूं। ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके साथ कौन प्रेजेंट है, ये एमी। कंफ्यूजन कभी नहीं, CO2 ET, ठीक है। और यहां पे भी आपका क्या है, एक्सियल प्रोटॉन है, यहां पे भी आपका क्या है, एक्सियल प्रोटॉन है। दो पाथ हैं इसके पास, दो पाथ, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है एज वेल एज आपका यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। दोनों के रेस्पेक्ट में एंगल 60 डिग्री है। दोनों हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, सिन है। अब जब आप काइनेटिक की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, पहली चीज, इसके ऊपर कम होगा। तो फास्ट इंट्रैक्शन जो होगा, काइनेटिक जो होगी वो किसके रेस्पेक्ट में फास्ट होगी? ये आपका अगर फर्स्ट पाथ है, ये आपका सेकंड पाथ है, तो काइनेटिक जो होगी किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट पाथ के रेस्पेक्ट में फास्ट होगी, सेकंड पाथ के रेस्पेक्ट में स्लो होगी। और काइनेटिक आप स्टेबिलिटी आप ट्रांजिशन स्टेट के बेस पे भी देख सकते हो, स्टेबिलिटी आप ट्रांजिशन स्टेट सबसे लेस पोलर किसमें बनेगी, लेस पोलर, जिसमें पोलर लेस होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इसे स्टेबलाइज्ड करेगा। मींस फर्स्ट वाले पाथ में ही लेस पोलर ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी। हर फैक्टर इसे फेवर कर रहा है, एंगल भी फेवर कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी फेवर कर रही है। अगर आप दोनों की ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बारे में कंपेयर करोगे तो पहले की जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और जो दूसरे की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हायर एनर्जी की बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी, आपकी हायर एनर्जी के बारे में बनेगी। तो जो पहली वाली होगी वही को फॉलो करेगा और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। दोनों सिन हाइड्रोजन है, दोनों इसके रेस्पेक्ट में 60 डिग्री है, इसलिए हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। अजी भाई लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। गॉट इट है तो वेरी गुड है। अजी भाई लोग गॉट इट है तो वेरी गुड है। चलिए ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये ग्रुप लगा हुआ है, एबव द प्लेन, बेलो द प्लेन। एबव द प्लेन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एकदम क्लियर होना चाहिए कैरुथर, एकदम हवा होनी चाहिए यहां से पढ़ने के बाद आपके लिए। यहां से पढ़ने के बाद कैरुथर हवा होनी चाहिए। जिसे नहीं समझ में आएगा वो 25 बार पूछेगा, जितना मन करे उतनी बार पूछे, मैं समझा के ही मानूंगा। ये है आपका ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर है या मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल है, एबव द प्लेन। अब आपने ये बताना गुरु की मेजर प्रोडक्ट के बनेगा, मैं विकल्प दे रिया। अज्जी, बंधुअर, सब लोग आपको बताना कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बनेगा, इसे हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 और H ये कीटोन और ये आपका एबव द प्लेन क्या है, मिथाइल। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा या ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये टाइमिंग सही है, 5 बजे से लेके, बताना है आप लोग, कमेंट करना फटाफट। 6 बजे खाली हो जाओगे, उसके बाद लंबा ब्रेक लोगे, 6 से 3 घंटे का ब्रेक लोगे, तो उसके बाद हम पोल करेंगे रात को 9 बजे, या तो धीरे धीरे पोल भी सब खसका देंगे। ठीक है, ये दिल मांगे मोर ये दिल क्या मांगे मोर, कोल्ड ड्रिंक, ये दिल क्या मांगे, कोल्ड ड्रिंक मांगे। ए गुरु ये बताइयो, सबके सब कलाकार, विच वन विल बी मेजर, ए और बी, कमेंट फास्ट। 5 बजे करें ना, अगर मैं NMR की क्लास को 3:30 से कर दूं, नहीं रहने दो, सही है, ये क्लास लंबी कर लिया करेंगे। NMR की क्लास 45 मिनट की किया करेंगे, इसको 1.5 आवर, सवा घंटे का कर लिया करेंगे, ये सही रहेगा। इसका टाइम सोफिया ने कहा भी, सोफिया कभी आती है कभी नहीं आती, या वेरी गुड एवरीवन। ये क्या है, एव प्रेजेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस प्रोटॉन के बारे में, तो ये क्या है, इसके एंटी प्रेजेंस है। अब जब एंटी है तो ट्रांजिशन स्टेट जो साइक्लिक बनेगी वो बड़ी पकौड़ा टाइप की बनेगी, लेस स्टेबल बनेगी। जब यहाँ पे क्या है, आपके पास एबव द प्लेन बेलो द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंस है, तो ये एबव द प्लेन वाले हाइड्रोजन से इंटरैक्ट करेगा और एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन करके क्या करेगा, बी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनाएगा। एनेमा 3 बजे कर दें, कैरुथर 4 से 5 कर दें, सभी लोग रेडी हो। एवरीवन इज रेडी अबाउट दैट। ये संदीप जो शेड्यूल कह रहे हैं, इससे आप सभी लोग सहमत हो? हम तो कर देंगे 3 बजे, हमारा जो आफ्टरनून वाला टाइम होता है ना, 1 बजे से लेके 4 बजे तक, वो बस इधर उधर घूम घाम के बीत जाता है। या बच्चा सोफिया जैन थे, या डेफिनेटली सिन एलिमिनेशन। अब क्यों ये सिन क्या होता है, क्यों सिन होता है, ये सबके समझ में आ गया ना, वाई इसको हम क्यों बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। ठीक है, क्यों सिन एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। किसका लेक्चर लेते हो आप, एनालिटिकल केमिस्ट्री का? आरजू कहाँ पे लेते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर कहाँ पे आप लेते हो? हाँ बिल्कुल 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 रवीना, बता देते हैं हम आपको। क्या है कि 10 AM से ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री अभी करा रहे हैं। ठीक है, और जो आपका है 4 PM पे जो है वहां पे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, अब 5 PM पे जो हम कराएंगे, 5 PM पे ये सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, ये सोल्यूशन कराएंगे, और रात को 9 PM पे, रात को 9 PM पे जो है वो आपका क्या है, वो आपका पोल होता है। ठीक है, पोल होता है। अब देखो क्या है कि जब OMC की टॉपिक खत्म होगी, वो ये डेली नहीं है, OMC की टॉपिक खत्म होगी तो 10:45 से या 11 PM से 10:45 से पोल कराएंगे। ठीक है, ये जो पोल होगा ये आपका एप्लीकेशन पे होता है। कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन। ये पोल भी क्या होता है, एप्लीकेशन पे होता है। बाकी अब मेरे पास 5 से 6 बजे वाला टाइम बचेगा, तो मैं यहाँ पे 7:30 बजे से 7:30 से 8:30 कल से ये टाइम स्लॉट यूज करने की कोशिश करूंगा। ये टाइम स्लॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तो ये रहेगा ही रहेगा, बाकी मैं बता दूं। ओके ओके सुरेंद्र रेड्डी, ओके हाँ बेटा क्या वापस समझना है मनोज, ये वापस समझना है। यहाँ पे लो एबव द प्लेन दोनों क्या है सिन है आपस में। ये क्या है एबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों क्या है एंटी है, तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन क्या होगा इसका होगा। ठीक है हाँ हाँ बता दिया आपको, पीछे वाला क्वेश्चन वापस बता दिया। अब कोई विकल्प है तो आप पूछिए, अरे अब कोई डाउट है तो आप पूछिए, विकल्प की बात नहीं करते। अब कोई डाउट है तो आप पूछिए। इधर आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइम स्लॉट है, इसमें अब कंफ्यूज मत रहिएगा आप लोग। 3 PM to 4 PM 3 PM to 4 PM। ओके नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है मनोज? चलिए ये करके दिखाइए, ये करना है आपको और बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या। सभी लोग ये करना है और आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लगाओ आईपीआर, और यहां पे क्या लगा हुआ है आपका, यहां पे जो लगा हुआ है NME 3 या NME 2 यूज कर रहे हैं, और NME 2 के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, और इस पोजीशन पे जो है मिथाइल लगा हुआ। ठीक है इसका मैं क्या कर रहा हूँ H2O2 से रिएक्शन करा रहा हूँ, और H2O2 से रिएक्शन कराने के बाद मैं इसे हीट कर रहा हूँ कितना 100 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आपको बताना है कि मेजर क्या बनेगा। ठीक है आइसोप्रोपाइल और ये आपका क्या है मिथाइल, ये वो मेजर बनेगा A और ये मेजर बनेगा क्या ये। ठीक है ये एबव द प्लेन मिथाइल, ये बिलो द प्लेन क्या है आइसोप्रोपाइल। ठीक है विच वन विल बी मेजर A और B? Comment fast. Which one will be measured? A और B? ये आपका above the plane है, ऊपर की तरफ है। ठीक है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ कौन ज्यादा बनेगा A और B? नहीं आप चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ठंड आ रही है, तो 4 PM to 6 PM ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे इसे इस महीने, तो कतई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट मंथ अब नहीं चेंज हो पाएगा ये स्लॉट, अगर एक बार चल गया तो नहीं चेंज, हम ही चेंज हो जाएंगे वो बात अलग, बट स्लॉट चेंज नहीं। हाँ ओके 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 मैंने बोला तो था, इन्होंने बनाया नहीं। पारुल ने कहा बी, रबीना ने कहा बी, सब्बी ने कहा बी, कोई गल नहीं, हम कंफर्मेशन बनाते हैं भाई, क्या है कंफर्मेशन बनाते हैं। कंफर्मेशन बना लें, स्टेबल कंफर्मेशन बना लें। यहाँ पे क्या है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा, यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, H2O2 के साथ रिएक्शन कराओगे ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। सेम साइड पे क्या है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, एबव द प्लेन एबव द प्लेन। और जब बात करोगे यहाँ पे क्या बनेगा मिथाइल, ये स्टेबल कन्फर्मर बनेगा। अब इसके पास दो रास्ते हैं, वी दिस वन हैव अप टू पाथ, इसके बारे में बात करें और इसके बारे में बात करें तो एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना एंगल है 60 डिग्री एंगल है, ओके, एंगल क्या है 60 डिग्री। और यहां पे बात करें तो एंगल कितना है, इसके रेस्पेक्ट में एंगल कितना है 60 डिग्री। बट फास्ट एलिमिनेट कौन करेगा, फास्ट एलिमिनेशन किससे होगा ये बताना है, फास्ट एलिमिनेशन किससे होगा ये बताना है, ठीक है, फास्ट एलिमिनेशन किससे होगा ये आपको बताना है सभी लोगों को। बताओ भैया बताओ, विच पाथ विल बी फॉलोड मोर, फर्स्ट और सेकेंड। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किससे बनेगी, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किससे बनेगी, कमेंट फास्ट। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किससे बनेगी, ओके, ऑल आ रही है। या ये आईपीआर है, इसका प्लस आई वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, साथ ही साथ मोर सब्स्टिट्यूटेड। यहां से जो फर्स्ट पास से बनेगी मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या बनेगी आपकी मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। और मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बना के जो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, बी प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या बनाएगा मेजर बनाएगा, क्लियर। बी जो बनेगा वो क्या बनेगा मेजर बनेगा, और ए क्या बनेगा आपका माइनर बनेगा, ए क्या बनेगा माइनर। और अगर मैं यहीं पे अनदर मॉलिक्यूल ले लूं, यस अनदर मॉलिक्यूल ले लूं, इसके बारे में बात कर, यहां पे बेलो द प्लेन मैं क्या लगा दूं आईपीआर, और यहां पे भी क्या कर दूं बेलो द प्लेन मैं लगा दूं क्या NME2, रिएक्शन कंडीशन सेम कर दूं, यहां पे मिथाइल। इस वाले केस में सेकंड वाले केस में मेजर क्यों कौन बनेगा ये आप बताना। इन केस ऑफ सेकंड विच वन विल बी मेजर, कमेंट करना है आप। इन केस ऑफ सेकंड विच वन विल बी मेजर, सेकेंड के बारे में बात करेंगे तो कौन बनेगा। इसमें भी बी ही बनेगा, बिकॉज तब ये किस वाले प्रोटॉन से इंटरैक्ट करने लगेगा, बेलो द प्लेन वाले, ये इक्विटोरियल प्रोटॉन से इंटरैक्ट करने, ये दूसरे वाले के केस में इसमें बी बनेगा। मोर पोलर कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलैरिटी इसकी क्या होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, पोलैरिटी क्या होगी वो इंक्रीज करेगी। तो बाकी अब आप लोगों से क्या कहते हैं, अब आपका क्या है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कितने बजे 9 PM पे मिलते हैं। पोल में आप पार्टिसिपेट करिए, एवरीवन पार्टिसिपेट इन पोल, ठीक है। एवरीवन पार्टिसिपेट इन पोल, आप सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करिए. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अलॉट. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. अच्छा लगे लाइक करो, बुरा लगे डिसलाइक करो, बट नफरत की वजह से डिसलाइक ना करो. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.